नमस्कार दोस्तों, एएस क्लासेस 1 2 3 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जान चुके हैं कि आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो आप लोगों का रिजल्ट में कितना नंबर आया हुआ है या कैसे पता करें, इसके लिए अभी मैं आपको साइट बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप उस साइट पर जाके आराम से देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितना नंबर पाया और आप क्वालिफाई हुए हैं CBT 2 के लिए या नहीं हुए हैं, इसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अगर आप यहाँ से मतलब नहीं देख पा रहे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मेन साइट को डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने किसी भी ब्राउज़र में जाके सरकारी रिजल्ट सर्च करना पड़ेगा। अब सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद, उसको खोलने के बाद देखिए दोस्तों, आपको रिजल्ट रिजल्ट में पहले दिखाई दे रहा है रेलवे एएलपीएन टेक्नीशियन रिजल्ट 2018, उस पर क्लिक करते हैं। और उस पर क्लिक करने के बाद जब हम आगे खोलते हैं तो यहाँ नीचे जाने के बाद हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं। तो आप लोगों को डाउनलोड आल आरआरबी स्टेज फर्स्ट रिजल्ट 2018 पे क्लिक करते हैं। और उस पर खोलने के बाद दोस्तों हमें जो है आगे नीचे दिया हुआ है कि लॉग इन टू व्यू स्कोर कार्ड। तो दोस्तों लॉग इन टू व्यू स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको इंटर योर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो दोस्तों अगर आपको देखना है तो आप किसी का भी अपना आपको देखना है तो आप उसमें अपना वो डालिए रिजल्ट का। तो जैसे हम डालते हैं अपना, तो दोस्तों इसे हम डालते हैं 44 इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए आप इसमें। महीने का डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे भरने के लिए फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप भर दीजिए PB 682 ये और इसमें। इसको भरने के बाद आप दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका आपका देखिए आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम आपका सभी का दे देगा, कितना नंबर आपने पाया है, क्या क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ से ये आपका पुराना रोल नंबर दिखा देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका रोल नंबर देगा, नाम दे देगा आपका क्या नाम है, कट ऑफ मार्क कितने नंबर आए, उसके बाद रॉ ऑफ मार्क मतलब उसमें दोबारा जो मार्क आया था उसमें कितने नंबर आपके हुए, इतना हो गया। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क आपका दे देगा, ठीक है, कि आपका नॉर्मलाइजेशन नाम के बाद मार्क बाद आपका टोटल कितना नंबर आया हुआ है। तो दोस्तों और देखिए शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन SR9, तो अगर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो यहाँ पे S देगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं देगा। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों को, ताकि वो सभी अपना देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।